हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोह क्लासेस में दोस्तों जैसे कि आपको पता है मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं दोस्तों इसमें हमारा चैप्टर चला सीरीज ठीक है दोस्तों जिसमें हम टू पॉइंट वन टू पॉइंट टू टू पॉइंट थ्री और टू पॉइंट फोर एक्सरसाइज को कम्प्लीट कर चुके हैं दोस्तों आज की लास्ट एक्सरसाइज है टू पॉइंट फाइव दोस्तों ठीक है लास्ट एक्सरसाइज है दोस्तों इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना न्यू चैप्टर बेन डायग्राम ठीक है कौन सा बेन हर एक चैप्टर शुरू करेंगे दोस्तों इस चैप्टर की आपने देखा होगा पंद्रह वीडियो बन चुकी हैं दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों जब चैप्टर इतना लेथ है ये और सभी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में तो मुझको भी सभी टाइप के क्वेश्चन कराने थे दोस्तों ठीक है इसलिए इतनी वीडियो बन गई है पंद्रह दोस्तों बट इतनी गारंटी मैं आपको देता हूँ यहाँ से पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना दोस्तों सीरीज का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा ठीक है सीरीज का क्वेश्चन कहीं भी गलत नहीं होगा दोस्तों मैं हर चैप्टर का आपको पूरी डिटेल में पढ़ा रहा हूं दोस्तों तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे टू पॉइंट फाइव यहां से भी एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है ये रिपीटेड बोलते हैं क्या बोलते हैं रिपीटेड सीरीज दोस्तों रिपीटेड दोस्तों सीरीज होती है ये यह। और यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इसके जिसको आप आसानी से कर सकते हो दोस्तों बहुत स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है कि सर हमसे नहीं बन पाते हमसे नहीं बन पाते दोस्तों तो मैं आपसे इतना कहूँगा वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से समझना और फिर दोस्तों फिर बताना आपके समझ में आया या नहीं आया क्या आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो या नहीं कर सकते दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ आपका कैसे सी का एग्जाम हो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो यू एस का एग्ज़ाम हो दोस्तों जो मैं टाइप आज कराने वाला हूँ यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों विश्वास ना हो देख लेना आप कैसी जी का एग्जाम जब देने जाओगे आज के जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा यहीं से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आज की ही क्लास से मिलेगा अगर रिपीटेड सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाता है तब दोस्तों ठीक है इसमें दो टाइप बनते हैं एक टाइप दोस्तों मैं आज कराऊंगा और एक टाइप कल करा दूंगा आज का टाइप अच्छे समझिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा संभावना होती है दोस्तों ठीक है तो क्वेश्चन को आप समझ सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया होता है ठीक है दोस्तों इस टाइप की सीरीज आपको दी होती है और बीच में एक खाली स्थान जो इनको भरना होता है ठीक है इस सीरीज आपको दी होती है और बीच बीच में एक इनको क्या करना होता है दोस्तों इनको भरना होता है इनको क्या करना होता है इनको भरना होता है दोस्तों बहुत आसानी से भर सकते हैं बस स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है और मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा आपको कैसे कर सकते हैं दोस्तों सेकेंड जो वीडियो होगी उसमें मैं सारे क्वेश्चन जो कराऊंगा ऑप्शन के थ्रू कराऊंगा क्योंकि ऑप्शन से इनको क्वेश्चन को करना बहुत ज़्यादा आसान होता है वरना आप फंस जाते हो ठीक है आज का टाइप देखेंगे पहले फिर कल के टाइप में सारे ऑप्शन से कराने वाला हूँ ठीक है दोस्तों दोस्तों जब भी आपको ऐसा रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन मिले तो आपको कैसे करना है दोस्तों बहुत आसान है ये देखो हम कैसे करेंगे जब भी आपने देखा इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आया रिपीटेड सीरीज का दोस्तों ठीक है तो आपने क्या कर लेना है तो आपने क्या कर लेना है सबसे पहले दोस्तों आपका स्टेप होना चाहिए सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए कि इसमें देखने हैं आपको आपको इसमें देखना है टोटल कितने लेटर इसमें आ सकते हैं टोटल कितने लेटर इसमें आ सकते हैं तो आपने देखा कि सर इसमें एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह टोटल कितने लेटर आ सकते हैं सीरीज में आपने कहा सर सोलह कितने आ सकते हैं आपने कहा सर सोलह बस आपको इतना ही काम करना था कितने दोस्तों सोलह लेटर इसमें आ सकते हैं तो आपने क्या कहा आपने फिर क्या करना है जब भी दोस्तों आपको ऐसा मिले सोलह लेटर ठीक है सोलह लेटर किसी सीरीज में आपको मिले तो आपको उस सीरीज को कितने भागों में चार चार के पेयर बना लेने हैं चार चार के पेयर बना लेने हैं मैं आपको डायरेक्ट ही बता रहा हूँ दोस्तों और एक तरीका और आपको इसके बाद बताऊंगा ठीक है पहले इसको समझेंगे जब भी सोलह लेटर मिले तो आपको क्या कर लेना है चार चार के पेयर बना लेने हैं दोस्तों चार के पेयर क्यों बनाने हैं क्योंकि इसके सोलह के फैक्टर आप देखेंगे तो एक तो ये दो से डिवाइड हो सकता है एक चार से एक आठ से दोस्तों एक खुद सोलह से डिवाइड हो सकता है ये ठीक है तो दो के पेयर बहुत कम चांस होते हैं यहाँ दो के पेयर बना के आंसर मिल सकता है बना के देख सकते हैं आप पर दोस्तों बहुत कम एक दो परसेंट चांस होता है कि वहाँ से आंसर मिल जाए दो के पेयर से दोस्तों आठ ज़्यादा बड़ा हो जाता है आठ का पेयर नहीं बन पाता दोस्तों एक दो कंडीशन में बन सकता है ठीक है और सोलह के तो दोस्तों बनेगा नहीं एक तो ये तो खुद पूरी सीरीज होगी सोलह की दोस्तों तो ज़्यादातर नाइन्टी परसेंट केस में देखा जाता है जब भी कुल जोड़कर इनको कुल लेटर जो आएंगे इसमें सोलह आएंगे तो उसके चार चार के पेयर बनाए जाते हैं कितने के पेयर बनाएंगे चार चार के पेयर बनाएंगे याद रखेंगे डायरेक्टली जब भी सोलह होंगे सीरीज में कुल लेटरों की संख्या कितनी होगी सोलह होगी तो कितने के पेयर बनाए जाएंगे आप कहोगे सर चार के कितने के चार के पेयर बनाए जाएंगे दोस्तों मतलब चार के जोड़े बनाए जाएंगे दोस्तों किस तरीके से बनाएंगे ये हम सीख लेते हैं मैं यहाँ को सीरीज लिख देता हूं जिससे आपके और अच्छा समझ में आए दोस्तों ये आपके सामने मैंने सीरीज लिख दी है ठीक है लिख दिया आपके सामने सामने है दोस्तों कुल कितने थे इसमें लेटर कितने सोलह कितने कितने के पेयर बनेंगे चार चार के दोस्तों तो एक चार का पेयर ये बना एक चार का पेयर ये बन गया दोस्तों एक चार का ये और एक चार का ये दोस्तों चार चार के जोड़े मैंने बना लिए मतलब चार चार के जोड़ों में मैंने ये बांट लिया दोस्तों सबसे पहले काम आपको इतना कर लेना है दोस्तों कर लिए इतना काम आगे क्या करना है आगे दोस्तों क्या करना है आपको आपको एक पेयर को देखना है आपने देखा सर इस पेयर में हमें तीन लेटर पता थे बात के हमें बात के तीन लेटर पता थे कितने थे ए ए बी तो मैं देखूंगा किसी में भी देख सकते हो आप इसमें मैंने देखा बाद के तीन लेटर मुझको इसमें ए ए बी इसमें भी रख कर देख लेता हूँ मैं क्योंकि यहाँ से बाद के तीन लेटर कितने थे ए ए बी तो मैंने इसमें रखा बाद के तीन लेटर कितने कर लिए ए ए बी अब मैंने यहाँ देखा इसमें देखा मैंने तो बाद के तीन लेटर कितने ए ए बी क्या सही हो गए आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है तो इसमें तो मुझे चारों लेटर पता चल गए कितना है बी ए दोस्तों क्या है बी ए बी तो मुझे बता सकते हो यहाँ पर इस वाले पेयर में यहाँ पर क्या आएगा आप कहोगे सर यहाँ आएगा बी बी ए बी बी ए बी इस तरीके से ये सीरीज चल रही है दोस्तों ठीक है इस तरीके से सीरीज चल रही है फिर मुझे बता सकते हो यहाँ पर क्या आएगा आप कहोगे सर इसको आपने देखा बी B ए -A -A -B. आपने कहा सर यहाँ पर आएगा ए क्योंकि सीरीज चल रही है बी ए ए बी प्रत्येक पेयर में क्या जोड़ा बन रहा है बी ए ए बी का तो मुझे बताओगे यहाँ पर क्या आएगा आपको अवसर बी क्योंकि बी ए ए बी का पेयर चल रहा है दोस्तों क्लियर हुआ यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं यहाँ तक आपको अवसर क्लियर हो गया दोस्तों नहीं आया दोस्तों समझ में तो एक बार और समझने की कोशिश करना दोस्तों तो मेरे यहाँ पर खाली स्थान था तो यहाँ पर क्या लगाया मैंने यहाँ पर बी यहाँ पर खाली स्थान था यहाँ पर क्या लिखा मैंने बी यहाँ पर खाली स्थान था यहां पर कितना लिखा ए यहां पर खाली स्थान था यहाँ कितना लिखा ए यहाँ पर खाली स्थान था क्या कितना लिखा बी दोस्तों मेरा आंसर जो होगा वो क्या होगा बी 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 ए बी 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 ए ए बी किस ऑप्शन में है आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं थी काफ़ी इजी क्वेश्चन था दोस्तों और बहुत आसानी से ये अपने सॉल्व कर लिया दोस्तों क्लियर हुआ या नहीं दोस्तों क्लियर हुआ या नहीं प्रत्येक पेयर को मैंने क्या करा समान बनाने की कोशिश करी प्रत्येक पेयर को क्या करी मैंने दोस्तों समान बनाने की कोशिश करी मैंने देखा प्रत्येक पेयर समान बन गया दोस्तों कोई दिक्कत ही नहीं थी बस समान बनाने की हमको कोशिश करनी है प्रत्येक पेयर को मतलब कोई ना कोई रिलेशन बनना चाहिए एक तरीके से जैसा आपने पहले देखा था दोस्तों सीरीज चलनी चाहिए ठीक है रिपीटेड सीरीज चलनी चाहिए दोस्तों आपने देखा बिल्कुल करेक्ट हो गया दोस्तों और मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे यहाँ तक आपने देख लिया दोस्तों समझ में आया दोस्तों नहीं आया तो वीडियो को लास्ट तक देखना सब इसी टाइप के क्वेश्चन है और मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट कर दूंगा इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों डायरेक्ट हम क्वेश्चन कैसे करते आपने ये सीरीज देखी ठीक है आपने क्या देखा आपने ये देखा कि सर मैंने देखो जहाँ पर ज़्यादा लेटर हो वहाँ पर आपकी निगाह जानी चाहिए जहाँ पर ज़्यादा लेटर हो वहाँ पर आपकी निगाह जानी चाहिए तो आपने देखा सर यहाँ पर तीन लेटर थे सबसे ज़्यादा एक जगह पर एक जगह पर कितने लेटर थे तीन लेटर थे तो आपने देखा सर डबल ए के बाद क्या है बी है डबल ए के बाद क्या है बी है यह मैं कह सकता हूँ बी से पहले क्या है डबल ए है तो आपने ये बात दिमाग में फिट कर लेनी है और आपको क्या करना है आपने कहा सर डबल ए के बाद बी है तो मैंने यहाँ क्या रख दिया बी रख दिया क्योंकि तो आपने यहाँ पर देखा था डबल ए के बाद बी है तो मैंने डबल ए के बाद बी रख दिया कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों कोई दिक्कत तो नहीं है आप कहोग सर कोई दिक्कत नहीं है अब क्या देखना है आपको अब आपको आसानी से पहचान लोगे यहाँ पर मुझको पांच लेटर पता चल गए डबल ए डबल बी ए ठीक है तो यहाँ पर क्या आएगा डबल ए डबल बी डबल ए ठीक है दोस्तों डबल ए डबल बी दोस्तों इस तरीके से आप पहचान सकते हो या नहीं पहचान सकते हो या नहीं मुझको बताओ डबल ए से पहले क्या रहा है यहाँ पर डबल ए से पहले क्या आ रहा है यहाँ पर बी तो मैं डबल ए से पहले यहाँ पर क्या रखूँगा बी रखूँगा या नहीं दोस्तों आप कहो सर बिल्कुल रखेंगे तो दोस्तों खाली स्थान सभी भरे या नहीं यहाँ पर कितना आया मेरा बी यहाँ पर कितना बी यहाँ पर कितना ए यहाँ पर ए यहाँ पर बी दोस्तों आंसर क्या था ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर था दोस्तों समझ में आया नहीं आया दोस्तों नहीं आए दोस्तों तो वीडियो को लास्ट तक देखना मैं सब चीज़ क्लियर करने की आपकी कोशिश करूंगा ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो की तरफ एस एस सी सी जी एल दो हजार दस में क्वेश्चन ये भी और देखो हम इसको बहुत आसानी से करने की कोशिश करेंगे बस आपको मेरा साथ देना है अच्छे तरीके से सबसे पहले क्या काम करना है इसमें आपको सबसे पहले लेटर किन लेने कितने हैं एक एक तो लेटर यहाँ पर आएगा दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह कितने लेटर हैं सोलह क्लियर पता चल गया कि कितने के पेयर बनेंगे चार चार के पेयर बनने वाले हैं दोस्तों कितने के पेयर बनेंगे चार चार के पेयर बनेंगे क्लियर हो यहाँ तक बस इतनी बात तो आपके क्लियर हो गई तो ये समझो आप बहुत कुछ सीख चुके हो दोस्तों ठीक है अब मैंने ये चार चार के पेयर बना लेने हैं पहले मैं आपको इसको लिख देता हूं आपके सामने दोस्तों तीन ये दोस्तों यहां तक कितने के पेयर बनेंगे आप सर चार चार के पेयर बनने हैं तो एक पेयर बना दिया चार का एक ये एक ये दोस्तों एक ये क्लियर हुआ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी आप कहो सर कोई भी दिक्कत नहीं थी चार चार के पेड़ बन गए चार चार के जोड़े बना दिए मैंने सीरीज में से आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है आप कहोगे सर आपने कहा था फिर हम प्रत्येक पेड़ को समान बनाने की कोशिश करेंगे क्या समान बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं बनेंगे दोस्तों तो उसके ट्रिक मैं आपको कल बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे दोस्तों ठीक है यहाँ आपने देखा सर ये चार का पेयर जो बना ये डबल ए बी ए है तो मैंने कहा यहाँ पर देखता हूँ मैं डबल ए रख कर डबल ए बी ए ये भी पेयर बन गया पूरा बन गया या नहीं आप कहोगे सर बन गया तो मैं कहूँगा यहाँ इसको भी मुझे यही बनाना है तो यहाँ पर क्या, क्या आएगा ए आएगा यहाँ पर क्या आएगा यहाँ भी ए आएगा डबल ए बी ए बन गया ये भी आप कहो सर बिल्कुल ठीक है क्या ये पेयर भी बन जाएगा क्या आप कहो सर देख लेते हैं मैं कहूँगा यहाँ पर कितना आएगा आप कहो सर ए आएगा और यहाँ कितना आएगा बी आएगा डबल ए बी ए डबल ए बी ए डबल ए बी ए डबल ए बी ए दोस्तों समान बन गए सभी पेयर या नहीं आपको सर सभी समान बन गए दोस्तों कोई दिक्कत हुई किसी को यहाँ तक आपको सर कोई भी दिक्कत नहीं है तो बहुत ईजी था ठीक है दोस्तों तो मुझे आंसर क्या हो जाएगा मेरा आपको सर खाली स्थान की जगह हमारा एक तो ये ए आया था एक ये बी आया था और क्या आया था आपको सर एक ये ए आया है और ये ए आया है और ये वाला ए आया है और यहाँ पर ए आया है दोस्तों ठीक है और तो कुछ नहीं था ए बी ए ए ए ए ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों किस ऑप्शन में है ये आप को? सर ये है ऑप्शन नंबर ए में ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी किसी स्टूडेंट को भी कोई दिक्कत तो नहीं हुई दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी अगर अब भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों मैं आपका एक एक डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा ठीक है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ठीक है इसको देखेंगे और बहुत आसानी से इसको भी सोल्व करेंगे आपने क्या करना है टोटल लेटर आपने गिने कितने हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह टोटल लेटर दोस्तों कितने सोलह हैं ठीक है ठीके? कितने सोलह दोस्तों टोटल लेटर का, का काम ने खत्म कर लिया कितने थे सोलह थे आपको पता गया कितने का पेयर बनेगा कितने का पेयर बनेगा आपको कहो चार चार काम को पेयर बनाने हैं ठीक है ठीके? आसानी से सोल्व कर लोगे इसको तो आप इसको आसानी से सोल्व कर लोगे दोस्तों ठीक है बांट देता हूँ इसको डायरेक्ट यहीं पर ही एक चार का पेयर ये बना एक चार का पेयर ये बन गया एक चार का पेयर ये बना दोस्तों और एक चार का ये बन गया दिक्कत खत्म हो गई सारी दोस्तों अब आगे क्या करना आपको पता ही है दोस्तों ठीक है सभी पेयर को क्या करेंगे समान बनाने की कोशिश करेंगे ठीक है क्या करेंगे सामान बनाने की कोशिश करेंगे बन जाता तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों और इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जाएगा आप देख लेना एग्जाम में ठीक है आपने देखा सर इसके बाद के तीन क्या थे बी बी ए ठीक है बी बी ए तो हम किसी में भी भर सकते हैं आपने देखा सर हम इसको भर सकते हैं क्या क्योंकि बाद के तीन जो थे बी बी ए थे तो बी बी ए यहाँ कितना भराएगा दोस्तों ए भरा जाएगा या नहीं और अब इसको भी हम भर सकते हैं बी बी ए से पहले यहाँ आप देखोगे इससे चारों हमको पता चल गए यह हमको चारों अक्षर पता चल गए मतलब हम तो चारों लेटर हमको पता चल गए इस जोड़े में इस जोड़े में चारों लेटर पता चल गए दोस्तों तो मुझे बताओ यहाँ पर इसके समान करने के लिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा ए लगाना पड़ेगा ए लगा दिया मैंने यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हुई ए बी बी ए ये सीरीज हमारी चल रही है और हम देखते हैं क्या ये सीरीज सभी में फॉलो कर रही है क्या दोस्तों मैंने कहा यहाँ पर क्या करूँगा मैं यहाँ पर क्या करूँगा बी ए बी बी अब यहाँ क्या लगाऊंगा आप कहोगे सर ए ए बी बी ए ठीक है अब इस सीरीज में मैं आपको देखूंगा यहाँ पर इस वाले पेयर में जब मैंने देखा आपको तो आप कहोगे सर यहाँ पर कितना आएगा बी क्योंकि सीरीज किस तरीके से चल रही है ए बी बी ए दोस्तों ठीक है ए बी बी ए तो यहाँ पर सीरीज आपने पूरी भर दी या नहीं आपको सर कंप्लीट भर दी तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर कितना है बी यहाँ पर ए यहाँ ए यहाँ बी फिर यहाँ ए मेरा आंसर जो होगा वो क्या होगा बी ए बी ए ठीक है कौन सा ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन है ऐसा आप कहोगे सर ऐसा ऑप्शन कौन सा है दिख रहा ना को? B, A, B, A. उप्षयन है ना आपको बी डबल ए बी ए ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों काफ़ी आसान था तो और बहुत आसानी से हमने इसको भर लिया दोस्तों दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों इनको बस समझने की कोशिश करो अच्छे से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसको आप अपने आप से भी बना सकते हैं ठीक है सबसे पहले काम आपको क्या करना है सबसे पहले आपको काम क्या करना है दोस्तों टोटल आपको लेटर इसमें गिन लेने कितने हैं आपने कहा सर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह आपके कितने लेटर हैं दोस्तों बारह लेटर हैं ठीक है कितने हैं बारह हैं दोस्तों याद रखना जब भी बारह लेटर आएंगे तो सीरीज दो ही में तोड़ना बस एक चार में और एक तीन में दोस्तों ज़्यादातर चांस बनते हैं फिफ्टी फिफ्टी परसेंट चांस बनते हैं चार में टूट जाती है सीरीज और तीन में भी टूट जाती है ठीक है क्योंकि बारह के फैक्टर चार और तीन है और एक सिक्स भी है पर सिक्स का बहुत कम दोस्तों बहुत कम इसके फैक्टर बनते हैं बहुत कम बनते हैं दोस्तों ठीक है इसके सिक्स के जो पेयर बनते हैं बहुत कम बनते हैं इसलिए हम सिक्स को नहीं लेकर चलते हैं दोस्तों अगर इनसे नहीं बनेंगे चार और तीन का पेयर नहीं बनेगा तो हम एक बार सिक्स के पास जा सकते हैं बट पहले हमको चार और तीन ही चेक करने होते हैं ठीक है तो पहले हम चार के पेयर बनाएंगे अगर चार का पेयर नहीं बनता तो फिर तुम हम तीन का पेयर बनाने की कोशिश करेंगे ठीक है दोस्तों और तीन का भी नहीं बनेगा तो हम सिक्स के पास जा सकते हैं वरना इनकी सबसे बेस्ट विधि है ऑप्शन विधि जिससे मैं आपको कल क्वेश्चन कराने वाला हूँ किस तरीके से हम ऑप्शन सेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो अब इसको समझते हैं कितने लेटर थे बारह कितने में थोड़ा चार और तीन में दोस्तों पहले किसके बना के देखूंगा चार चार के पेयर में पहले बना कर देखूंगा तो मैंने चार का पेयर बनाया दोस्तों चार का पेयर ये बना फिर चार का बनाया ये बन गया दोस्तों और चार चार के पेयर में मैंने इनको बांट लिया ठीक है अब मुझे इनको समान बनाने की कोशिश करनी है कि समान बन रहे हैं क्या मैंने यहाँ देखा सर बी बी से पहले ए था ठीक है ये ए के बाद डबल बी थी ये भी कह सकते हैं ए के बाद डबल बी थी ठीक है क्योंकि इस पेयर में कितने लेटर आने चार लेटर आने तो तीन लेटर मुझको पता है बाद के तीन लेटर पता हैं ठीक है थेके? तो मैं यहाँ भी वही लेटर यूज़ करने की कोशिश करूँगा क्योंकि बात के तीन लेटर मुझको पता हैं तो यहाँ बताओ मुझको कितना आ जाएगा यहाँ पर बी आ जाएगा या नहीं क्योंकि बात के तीन लेटर इसके भी ए बी बी हो गए और इसके भी ए बी हो गए कोई दिक्कत नहीं है पर हम इस, इसके अब हमें चारों लेटर पता चल गए कैसे बी ए तो मैं यहाँ जो रखूँगा दोस्तों क्या रखूँगा यहाँ पर यहाँ क्या रखूँगा बी रखूँगा या नहीं मुझके ये बी रखूँगा या नहीं आपको बिल्कुल ठीक है और यहाँ पर तो अब दोगे बी ए बी बी दोस्तों ठीक है बताओ बिल्कुल पेयर समान कर लिए सभी सभी पेयर समान कर लिए दोस्तों कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई दोस्तों तीन पेयर बने थे चार चार के दोस्तों तीनों पेयर समान कर लिए कोई दिक्कत तो नहीं है आपको भी सर कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ क्या आया बी यहाँ पर क्या आया ए यहाँ बी और यहाँ भी दोस्तों बी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी ए बी बी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए दोस्तों ठीक है और दोस्तों अगर चार के पेयर से काम नहीं चलता तो दोस्तों हम तीन तीन के पेयर बनाते किसके तीन तीन के पेयर बनाते कोई दिक्कत नहीं यहां तक दोस्तों चार के पेयर से हमारा आंसर आ गया तो दोस्तों कोई दिक्कत ही नहीं है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों जरूर नहीं है वो एबीसीडी में ही देखे दे, दे सीरीज एल एम एन में भी दे सकता है क्यू आर एस में भी दे सकता दोस्तों जो कि क्वेश्चन अभी आपके सामने आने वाले हैं सबसे पहले आपका काम क्या है दोस्तों टोटल इसमें लेटर गिनने कितने आ सकते हैं एक दो तो, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह दोस्तों कितने हैं सोलह कितने कितने के पेयर बनेंगे चार चार के पेयर बनेंगे कितने की पेयर दोस्तों चार चार के पेयर बनेंगे तो मैं इनको बांट लूँ आपको सर बांट लो तो दोस्तों एक पेयर तो ये बना यहाँ से आपको दिखाई दे रहा ना एम मिटेगा तो नहीं दोस्तों एम है समझ में आ रहा ना एम पी पी है ये एक पेयर तो चार का ये बना एक चार का पेयर कौन सा बनेगा ये बन जाएगा ठीक है एक चार का पेयर ये बना दोस्तों और चार का पेयर ये बन गया चार चार के पेयर में मैंने इनको बांट लिया ठीक है अब मैंने देखा यहाँ पर अब इसको मैं भरने की कोशिश करता हूँ अब मैं इसको भरने की कोशिश करता हूँ मैंने देखा इस पेयर में एम पी पी था तीन लेटर मुझको पता थे पहले तीन लेटर ठीक है क्योंकि इस पेयर में चार लेटर आने हैं तो पहले तीन मुझको पता है लास्ट का लेटर मुझको बताना है दोस्तों तो मैं यहाँ पर देखा इसमें भरने की कोशिश करूँगा क्योंकि यहाँ से मैंने देखा इस पेयर से मैंने देखा एम पी पी था तो एम पी में यहाँ पर रख देता हूँ एम पी पी एल ये मुझे पूरा पेयर पता चल गया एम पी पी एल तो मैं यहाँ पर कितना रखूँगा एल रखूँगा पूरा पेयर ये भी पता चल गया एम पी पी एल और मैं दोस्तों यहाँ पर क्या रखूँगा एम आएगा या नहीं क्योंकि एम पी पी एल का पेयर बन रहा है ठीक है अब यहाँ कितना आएगा एम पी पी एल तो यहाँ पी आएगा या नहीं आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है तो हमारा दोस्तों आप आंसर बता सकते हैं यहाँ पर क्या आया पी यहाँ पर क्या आया एम यहाँ पर पी और दोस्तों यहाँ पर क्या आया एल पी एम पी एल किसी ऑप्शन में है क्या पी एम पी एल ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ठीक है ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कल जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसमें वो मैथड ये वाला मेथड उसमें यूज नहीं होगा ठीक है ट्राई तो आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन आपको खुद बता देगा दोस्तों जब आप वहाँ पर यूज़ करेंगे जब वहाँ पर ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये ट्राई ये मेथड लग सकता है या नहीं लग सकता क्वेश्चन में ट्राई तो आपको करके देखना पड़ेगा नहीं लगता है तो दोस्तों मैं आपको कल ऑप्शन विधि बताऊंगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा ठीक है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी सीपीओ में पूछे हुए क्वेश्चन है ठीक है टोटल लेटर आपने गिन लिए। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह दोस्तों सब सोलह ही क्वेश्चन है क्या इस बुक में सोलह सोलह के ही पेयर बन रहे हैं सोलह का पेयर बन रहा है दोस्तों ठीक है कितने का पेयर सोलह का पेयर सोलह का पेयर का मतलब कितना दोस्तों कितना है चार चार के उसमें बांटना है ठीक है टोटल कितने लेटर हैं इसमें, इसमें सोलह दोस्तों कितने कितने का पेयर बनाने हैं चार चार के पेयर बनाने हैं दोस्तों समझ गए चार चार के पेयर बनाने हैं तो बना दो दोस्तों कितना आसान है अब तो खुद भी कर सकते हैं आप एक चार का पेयर ये बन गया दोस्तों ठीक है क्योंकि इधर चार लेटर आएंगे और एक चार का पेयर ये बन गया दोस्तों ठीक है और फिर एक चार का ये बना दोस्तों चार चार के पेयर में हमने बांट लिए चार चार के जोड़ों में हमने बांट लिया दोस्तों ठीक है चार चार लेटर हमने एक एक तरफ कर लिए अब क्या करना है आपको पता ही है दोस्तों आप क्या करना है सभी पेयर को समान करने की कोशिश करेंगे या कुछ रिलेशन उसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे हम किस तरीके से इनको सेट करा जाए तो आपने देखा सर यहाँ पर क्यू पी एस था इस पेयर में क्या था क्यू पी एस तो आप कहोगे सर यहाँ पर पी एस आर है पी एस आर तो यहाँ देखा पी एस सर इसके बाद आर आएगा पी एस आर क्योंकि आपने यहाँ से पता कर लिया आपने यहाँ से पता कर लिया सर पी एस आर आ रहा था यहाँ पे तो पी एस के बाद क्या आएगा आर आएगा ठीक है आपने यहाँ देखा सर पी एस से पहले क्यू आ रहा था तो पी एस से पहले क्या आएगा Q आएगा पी एस से पहले क्या आएगा क्यू आएगा कोई दिक्कत नहीं किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों ठीक है आपने यहाँ पर देखा इस पेयर में आपने देखा सर क्यू पी क्यू पी के बाद क्या आ रहा था इस पेयर में आप देख सकते हैं क्यू पी के बाद क्या आ रहा था एस क्यू पी के बाद क्या आ रहा था एस तो यहाँ पर क्या आएगा क्यू पी ठीक है और यहाँ पर क्या आ रहा था क्यू पी के बाद एस दोस्तों भर दिया आपने पूरी सीरीज या नहीं आप कहो सर पूरी सीरीज भर दी कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को हुई क्या दोस्तों नहीं हुई किसी भी स्टूडेंट को तो यहाँ पर क्या है मेरा क्यू यहाँ पर क्या है पी यहाँ पर एस दोस्तों यहाँ पर क्या है आर तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा क्यू पी एस आर क्यू पी एस आर ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यू पी एस आर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए दोस्तों आगे चलते हैं आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन भी में क्वेश्चन है दोस्तों अब आप, आप क्या सीख चुके हो सबसे पहले काम आपको क्या करना होता है टोटल लेटर कितने होते हैं कितने हैं एक दो तो, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह दोस्तों कितने लेटर हैं टोटल इस सीरीज में आपने कहा सर सोलह कितने हैं सोलह मैंने कहा कितने कितने के पेयर बनेंगे आपने कहा सर चार चार के पेयर बनेंगे मैंने कहा चलो बना लेते हैं चार का पेयर ये बनेगा दोस्तों आर और ई के बीच में से है ये आर और ई के बीच में ठीक है समझ जाना आर और ई के बीच में से मैं लाइन खींच रहा हूँ एक पेयर ये बना दिया मैंने चार का ठीक है और एक पेयर ये बना दिया ठीक है दोस्तों और एक पेयर ये बनाए और एक पेयर ये बनाए चार चार के मैंने पेयर बना लिए मतलब चार चार के जोड़े मैंने बना लिए कोई दिक्कत नहीं है अभी ने भरने की कोशिश करता हूँ मैं अभी ने भरने की कोशिश करता हूँ अब कैसे भरूंगा मैं इनको मैंने यहाँ देखा इसमें मैंने देखा सर एस से पहले ओ है एस से पहले क्या है ओ तो यहाँ मैंने इसको भरना है मुझे तो ऐसे पहले क्या रख दिया मैंने ओ रख दिया ठीक है बिल्कुल ठीक है ना दोस्तों अब मुझे पूरा पेयर पता चल गया आर ओ एस ई तो आप कहोगे सर आर यहाँ रखो ओ एस तो यहाँ था ही और ई यहाँ रख दो ये पेयर भी पता चल गया सेम पेयर बन गया आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है फिर आप कहोगे सर इस पेयर को मैं कहूँगा आर ओ था ही आर ओ के बाद क्या रहा है आप कगोर एस फिर ई बन गया पेयर भी और लास्ट का पेयर बताओ आर ओ एस ई दोस्तों बताओ सब में सेम आए या नहीं आप कगो सर सेम पेयर बन चुके हैं ठीक है कोई दिक्कत किसी को आई कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको सर कोई भी दिक्कत नहीं आई दोस्तों तो यहाँ पर क्या था ओ यहाँ क्या है आर यहाँ क्या आया था ई यहाँ क्या आया था? था एस और यहाँ स्थान क्या है ओ तो हमारा आंसर जो आएगा ओ आर ई एस ओ किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों ठीक है ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है किसी स्टूडेंट को भी कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों किसी स्टूडेंट को भी कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में बस देख के भरना ही तो है कि ऐसे पहले जो भी इसमें दे रखा है बस उनको भरना ही तो है दोस्तों और कुछ भी नहीं है ठीक है आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों इसको भरेंगे टोटल गिने आपने कितने लेटर हैं एक दो तो, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह कितने लेटर हैं बारह लेटर हैं तो मैं कितने कितने पेयर बनाऊंगा आप कहोगे सिर्फ चार का और तीन का चेक कर लेंगे अगर इनसे नहीं बात बनेगी तो छः का भी एक बार चेक कर लेंगे ठीक है बहुत आसानी से चेक करेंगे तो आपने चार का और तीन का पेयर मैं कहता हूँ पहले चार का पेयर बना के चेक करना आपने कहा सर यहाँ पर चार का पेयर एक ये बना एक चार का पेयर ये बना और एक चार का पेयर ये बन गया दोस्तों कोई दिक्कत हुई किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं हुई आपने कहा सर यह हमने देखा सी ई यहाँ कितना था सी ई e. तो सी के बाद क्या था ई e. तो मैं यहाँ सी के बाद ई e रख कर देख लेता हूँ सी के बाद ई रख दिया कोई दिक्कत नहीं है अब मुझे पूरा पेयर चार का पेयर मिल गया ये पूरा चार का पेयर मिल गया मुझे ठीक है ए सी ई जी ए सी ई जी अब आप कहोगे सर सी से पहले क्या है यहाँ पर इस वाले पेयर में सी से पहले क्या है आप कहोगे सर ए तो मैं ए यहाँ रखूँगा ए सी ई e, e के बाद क्या है आपको उस जी ए सी ए जी ए सी ई जी दोस्तों समझ गए चार चार के पेयर बन गए या नहीं बताओ सीरीज के द्वारा बने या नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए दोस्तों यहाँ पर क्या है ई e, यहाँ पर क्या है सी यहाँ पर क्या है ए और यहाँ जी दोस्तों हमारा आंसर जो है ई सी ए जी सी ए जी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मुझे लगता है दोस्तों आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ गए हो दोस्तों और दोस्तों अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मैं अगली वीडियो कल जो आएगी आपकी इसकी दोस्तों उसमें आपका कन्फ्यूजन दूर न करने की कोशिश करूंगा ठीक है आगे चलते हैं मैं सोच रहा हूँ दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपसे कभी गलत ना हो तो अच्छी ही बात है दोस्तों आपने ये देखा आपको देखते ही पता चल गया कितने लेटर हैं दोस्तों गिन सकते हो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह कितने लेटर हैं दोस्तों सो सोलह टोटल कितने लेटर हैं सोलह कितने के पेयर बनाने आपने कहा सर चार चार के पेयर बनाने हैं कोई दिक्कत नहीं है चार के पेयर में बना देता हूँ ठीक है चार का पेयर चार का पेयर दोस्तों चार चार के नहीं दोस्तों सॉरी चार का पेयर ये दोस्तों यहां पर ध्यान रखना पी के बीच में ठीक है ये चार का पेयर ये चार का पेड़ ये चार का पेयर दोस्तों ठीक है चार चार के पेयर में हमने बांट लिया चार चार के जोड़ों में मैंने बांट लिया ठीक है आपको क्या करना है ये आपको पूरा पता चल गया पेयर क्या है पी आर क्यू एस तो आपको सर तो पी के बाद आ रहा है पी के बाद क्या आ रहा आर तो मेरा ये भी क्या बन गया पी आर क्यू एस पी के बाद आ रहा आर फिर आर के बाद आ रहा है क्यू पी आर क्यू एस ये भी बन गया पी आर क्यू यहाँ कितना आ जाएगा एस दोस्तों पता चल गया पूरा पेयर आसानी से बना सकते हो आपको सर बना सकते हैं दोस्तों मुझे बताओ यहाँ क्या है आर यहाँ आर यहाँ जी जी नहीं दोस्तों क्यू सॉरी दोस्तों क्या है क्यू ये क्या है एस आर आर क्यू एस ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं हुई दोस्तों काफ़ी आसान क्वेश्चन है ना कितने आसान क्वेश्चन है दोस्तों एक बार समझिए अच्छे से मैं कर क्या रहा हूँ दोस्तों ठीक है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे चलते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर सकते हैं अपने आप से करके देख लेना दोस्तों ठीक है अपने आप से कर सकते हो इस क्वेश्चन को ठीक है दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना ठीक है दोस्तों इसको इसको भी कर सकते हो इसको मैं करा देता हूँ चलो एक दो क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए भी होना चाहिए जिससे आपको पता चल रहा है किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों यहाँ पर देखो टोटल लेटर गिनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह कितने लेटर हैं सोलह कितने कितने के पेयर बनाने चार चार के पेड़ बनाने चार का पेयर बन गया चार का यहाँ पर चार का पेड़ बन गया दोस्तों चार चार के पेड़ है मैंने बांट लिया दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों अब क्या है इनको भरना है ठीक है भरना है भरेंगे किस तरीके से दोस्तों देखें कहाँ सबसे ज्यादा लेटर हैं और किस तरीके से हमको भरना है तो आपने देखा सर यहाँ पर एक्स यू W है एक्स यू W एक्स के बाद क्या है यू तो एक्स के बाद मैं यू रख दूँगा एक्स जहाँ भी होगा उसके बाद क्या रख दूँगा यू एक्स यू W हो गया आपने देखा कि सर ये जो है ये चार का पेयर जो है इसके शुरू में भी लास्ट है और लास्ट में भी दोस्तों शुरू में भी W है और लास्ट में भी W है ठीक है ये चार का पेयर जो है दोस्तों इसके शुरू में भी w है और लास्ट में भी W है तो आपने कहा सर ये चार का पेयर जो है इसके शुरू में भी हम W रख देते हैं ठीक है तो ये पूरा पेयर पता चल गया आपको W X U W, तो मैं इसको भर सकता हूँ W X U W, ठीक है यहाँ क्यागा W X U W, W X U W दोस्तों बताओ पूरा भरा है या नहीं पूरी सीरीज कंप्लीट कर दिया या नहीं मैंने आपको सर पूरी कंप्लीट हो गई कोई दिक्कत हुई किसी स्टूडेंट को आपको सर कोई भी दिक्कत नहीं है तो दोस्तों यहाँ क्या आया एक्स यहाँ क्या आया क्या यहाँ पर आपको वो सर यहाँ भी एक्स यहाँ यू यहाँ डब्लू यहाँ डब्लू और यहाँ पर यू दोस्तों ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा एक्स एक्स यू डब्लू डब्लू यू एक्स एक्स यू डब्लू डब्लू यू ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को बताओ कोई दिक्कत तो नहीं हुई दोस्तों काफ़ी आसान कुछ था आगे चलते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप अपने आप से कर सकते हैं बट मैं आपको करा देता हूं फिर भी एकदम क्या करना है टोटल गिन ले पहले क्या करना है टोटल लेटर गिन लेने हैं एक दो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह कितने लेटर हैं सोलह दोस्तों आज तो मुझे लगा सारे क्वेश्चन में सोलह ही लेटर हैं क्या पता नहीं बुक में पता नहीं सारे कोई और लेटर नहीं दिए थे दोस्तों तो कल कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर करूँ और अलग वेराइटी के भी पर दोस्तों अच्छे से समझ लीजिए इस तरीके से आपको आना चाहिए क्वेश्चन यही इस टाइप पर ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कितने कितने के पेयर बनेंगे चार चार के पेयर बनेंगे चार का पेयर बना दिया दोस्तों समझते रहना ये एम है दोस्तों ठीक है चार के पेयर ये बन गए एक एक चार का पेयर ये बना देता हूं एक चार का पेयर ये बना ठीक है दोस्तों चार चार के पेयर में बांट लिया मैंने यहाँ देखा एम ओ एन है यहाँ देखा मैंने एम ओ एम ओ तो है यहाँ पर एम ओ के बाद यहाँ कितना आ रहा है आप बोलोगे सर यहाँ आ रहा है एन तो एम ओ के बाद मैं एन रख देता हूँ यहाँ पर यह मुझे पूरा पेयर पता चल गया चार का एम ओ एन पी एम ओ एन के बाद क्या आ रहा है पी एम ओ एन पी एम ओ एन पी दोस्तों कोई दिक्कत तो नहीं हुई कितना आसान लग रहा है ना ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इजी है ना आपको सर बहुत ज़्यादा इजी है ठीक है तो मुझे बताए यहाँ पर क्या है एम यहाँ पर ओ यहाँ पर एन यहाँ पर पी दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एम ओ एन पी एम ओ एन पी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं थी किसी स्टूडेंट को दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है आगे चलते हैं दोस्तों ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है अपने आप से बना सकते हो इसको ठीक है अपने आप से बनाना दोस्तों जब भी आपको कुछ पता चलेगा जब आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों ये लास्ट है इसको तो आप देखते ही बना सकते हैं एस एस दो हजार पंद्रह में पूछा हुआ क्वेश्चन है ठीक है इसको तो आप देखते ही बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है देखते ही मुझे कुछ समझ में आ रहा है बिल्कुल देखते ही मुझे पता चला है इसमें पहले लेटर किन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस दोस्तों आपके कितने लेटर हैं चौबीस लेटर हैं कितने का पेयर चार का पेयर बन सकता है इसमें छ का पेयर बन सकता है दोस्तों आठ का भी पेयर बन सकता है और बारह का पेयर बन सकता है बट बारह का पेयर हम कभी नहीं बनाएंगे दोस्तों बहुत रेयर केस का भी हो गया तो हो गया वरना बारह का इतना बड़ा पेयर नहीं बनता दोस्तों ठीक है दोस्तों तीन का पेयर ही बन सकता है क्योंकि तीन बीस का गुलाज होता है तो दोस्तों ऐसे में क्या करेंगे जब भी चौबीस आ जाएगा इतना तो हम क्या करेंगे दोस्तों तो उसमें हमारी कंडीशन ज़्यादा रहती है आप तीन का पेयर भी चेक कर सकते हैं चार का पेयर भी चेक कर सकते हैं आठ का दोस्तों बहुत कम चांस रहते हैं आठ का मत चेक करिए इतना बट ये छः का जरूर चेक कर लीजिए जब चौबीस आए तो ठीक है छः के पेयर तक आप चेक कर सकते हैं आपने देखा यहाँ देखते ही मैं आपको बनाना सिखाता हूँ दोस्तों ठीक है ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आप कैसे बना सकते हैं आपने देखा सर एस एच डबल ई था एस एच एस एच यहाँ भी था तो डबल ई होना चाहिए ठीक है वरना मैं आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूँ एस एच डबल ई था एस एच डबल ई एल ए, ए। यहाँ तक देखेंगे एक पेयर मैंने डायरेक्ट ये बना दिया एस एच डबल ई एल एस एच डबल ई एल आएगा यहाँ पर एल ए एस एच डबल ई एल ए ये कंप्लीट हो गया एस एच डबल ई एल ए एक ये पेयर बन गया दोस्तों देखते ही मैंने ये पेयर बना दिया कितने कितने का पेयर बना छः छः का पेयर बन रहा दोस्तों ठीक है कोई इसमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी तो यहाँ कितना आया ई e. यहाँ क्या आया एच यहाँ कितना आया एस यहाँ कितना आया एल ई एच एस एल ई एच एस एल ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन था या नहीं दोस्तों ठीक है तो दोस्तों ये एक टाइप था एक टाइप के हमने इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन आपको सभी आने चाहिए क्योंकि इस टाइप पे आपके क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है दोस्तों ठीक है और दोस्तों कल जो टाइप कराऊंगा मैं उनको ऑप्शन से ही आपको करा दूंगा आप इनको भी ऑप्शन से कर सकते थे इनको भी दोस्तों मैं ऑप्शन से करना आपको सिखा दूंगा बट ये भी बेस्ट मेथड है इससे बढ़िया भी कुछ नहीं है दोस्तों इसीलिए मैंने आपको ये मेथड बता दिया वर नहीं इन सभी क्वेश्चन को कैसा भी क्वेश्चन हो इस टाइप का रिपीटेड सीरीज का उसको हम ऑप्शन के थ्रू लगा सकते हैं दोस्तों एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा मैं इसकी दस मिनट की बस उसमें आपको सब कुछ सिखा दूंगा बट ये अभी एक्सरसाइज करानी बहुत ज़रूरी थी इसलिए दोस्तों ये मेथड बेस्ट है ठीक है दोस्तों अगर समझ में आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों ठीक है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों समझ में आया या नहीं आया दोस्तों ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में